जी कभी तो हारेगा गलत इंसान जो बार बार कुछ ना कुछ कर रहा है तो कुछ तो हारेगा ही। वो हारा ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये गेम उसी का कराया हुआ था, पूरा गेम प्लान उसी का था, 5 करोड़ भी वही दे रहा है और ये शर्त भी उसी ने रखी थी कि अगर 5 करोड़ ले आओगे तो तुम्हारा घर तुम्हें वापस कर दूंगा। उसका मेन मकसद है बिहान को परेशान करने का, उसको ये एहसास दिलाने का कि दर्द क्या होता है, अपने घर वालों को खोने का दर्द, अपना घर खोने का दर्द क्या होता है। तो आई थिंक वो उसी की कोशिश में लगा हुआ है किसी तरह से वो उसको सेम पेन फील करा दे जो उसने खुद और उसकी बहन ने फील किया है। तो हाँ अभी तो हार गया है, 5 करोड़ उसको मिल गए हैं, तो आई एम श्योर उसको ये घर भी वापस देना पड़ेगा अभी। हाँ अपेरेंटली होता कुछ इस तरह है कि मैं लाइव डायरेक्टर पे पॉलीग्राफ टेस्ट पे बिहान से पूछता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है सच के, उसने किसी को मारा है या नहीं, उसने किसी को जलाया है नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जवाब देगा हाँ जलाया है और लाइव डायरेक्टर ग्रीन ब्लिंक करेगा, लेकिन उसके ना बोलने पर भी वो ग्रीन ब्लिंक करता है, जिससे कबीर मानता नहीं है ये बात कि ऐसा हो सकता है, वो सोचता है कि मशीन ख़राब है और बिहान झूठ बोल रहा है। तो लेकिन इसी चक्कर में वो एक और सवाल पूछता है कि एक्चुअली मुझे सारे सवाल बताने नहीं चाहिए ना, ये आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या सवाल पूछता हूँ, ये चेक करने के लिए कि मशीन ठीक है और बिहान के मन में क्या है, सच या झूठ। ओके लास्टली अब इस पॉइंट पर लग रहा है कि थपकी और बिहान शायद एक हो सकता है, वो जो सवाल जो आपने पूछा है उसके जवाब के बाद। आई थिंक लास्ट फ्यू एपिसोड्स में ऐसी फीलिंग आ गई होगी अब तक व्यूअर्स को कि कुछ क्लोजनेस आ रही है वापस, जो भी कबीर कर रहा है उससे दूर होने के बजाय वो कहीं ना कहीं करीब हो रहे हैं, ऐसी फीलिंग तो आई होगी अब तक आपको। तो आपका रिएक्शन क्या है इस पर कबीर का? आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो बताओगे नहीं। जो मैं बताऊँगा नहीं। थैंक यू।